ऐसा कोई ना मिला जा सो रे सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आ ये अनुभवी संतों के शब्द हैं। कहते ऐसा कोई ना मिला जासो रही है लाग माने जिससे संबंध बनाया जाए। सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। जैसे श्री महाप्रभु जी कहते हैं ना, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलजुगी टंच, सब में सब भी आते हैं हम भी आते हैं, हमको मिलाकर सब आते हैं। कह रहे जो मिला कहीं ना कहीं स्वार्थ था, हम भी किसी से मिले तो स्वार्थ से मिले, कोई हमसे मिला तो स्वार्थ से मिला। कह रहे जिसके निकट गए वहां क्या देखा, उसे कामना की अग्नि में जलते हुए देखा। अब जलती किसी वस्तु के पास जाओगे तो क्या होगा, ताप ही तो मिलेगा। इसलिए संसार के संबंध की अंतिम परिणति क्या देखी जाती है, क्लेश। क्योंकि सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग। अनुभव करके संत कहते हैं सब है रसायन हम किया, सब करके देखा, छोटा बड़ा सब साधन करके देखा, सब है रसायन हम किया नाम समान नको। इसलिए आपको स्मरण हो तो गत सत्र में मैंने आपसे निवेदन किया था, मेरी तो बस एक बात मान लो आप, बस एक बात। आप इतना प्रेम इतना आदर इतनी श्रद्धा लेकर यहां आते हो तो मेरे भी मन में इच्छा होती है कि खाली कोई नहीं जाए यहां से। तो एक बात आप बस मान लीजिए, हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनोन दिनों मोहि आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मुहे आए प्यासा तेरे नाम वासा। सतनाम। तो कह रहे जहां गए जिसको देखा जिससे संबंध बनाया जिसके निकट गए सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग। फिर कहां कहां शांति मिली, कहां शीतलता मिली, कहां ठिकाना मिला, तब कहते हैं सतगुरु साचा सूरमा नख सिख मारा पूर, बाहर घावना दी सई अंतर चकना छू। कह रहे सतगुरु सच्चा भी है और सूरमा भी है, जिसने पंच विकारों से मुझे बचना सिखा दिया। दुख का कारण क्या है, विकार ही तो दुख का कारण है, नहीं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये विकार ही तो दुख का कारण है, दुख का मूल क्या है, विकार ही तो है। कह रहे और इस विकार से बचना गुरु ने सिखा दिया। कल आपको मैंने कहा था कि सत्संग की कृपा से एक स्थिति ऐसी तो आ जाती है जीवन में जब अपना दोष दिखाई देने लगता है, पर कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि अपना दोष देखते हुए भी हम उसको दूर नहीं कर पाते, हम उसको दूर करने में समर्थ नहीं हो पाते, हम बार बार उस दोष के आगे हार जाते हैं, प्रयास भी करते हैं पर बार बार हार जाते हैं। और ऐसा तो अनेक अनेक साधकों का अनुभव मैंने उनके मुख से सुना है कि पता चल रहा है कि क्या दोष है,
भूल कहां हो रही है, पर इतनी शक्ति नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस दोष को मिटा सकें। यहीं पर आकर संतों ने दोनों हाथ उठाकर कृपा जल दे नानक सारंग को, कृपा के उस जल की याचना की है। हुए जाते तेरे नाम वासा मुहि आही प्यासा, तेरे नाम वासा। एक एक और बात कह रहे, गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह अघ ताप। क्योंकि आज का दृश्य देखकर तो बहुत विचार पूर्वक कहना भी चाहिए और बहुत विचार पूर्वक सुनना भी चाहिए। आपको कभी मैंने कहा था ना, यदि आप सुनेंगे ठीक तभी आप सोचेंगे ठीक, और जब आप सोचेंगे ठीक तब आप समझेंगे ठीक। तो मुझे बहुत विचार पूर्वक कहना चाहिए और आपको बहुत विचार पूर्वक सुनना चाहिए, तभी आप और मैं ठीक से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। अरे गुरु मिला तब जानिए जब मिटे मोह अघ ताप। सबसे पहला लक्षण तो क्या है कि सच्चे संत के पास में जाते ही क्या मिलेगा, शांति। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। जो अपने बल से, अपने प्रताप से, कल मैंने आपको कहा था ना, संत अपनी कृपा दृष्टि से, संत की दृष्टि क्या है, संजीवनी है। संत की दृष्टि में अमृत है, संत के शब्द में अमृत है, संत के भाव में अमृत है, संत के सानिध्य में अमृत है। साधारण अमृत का गुण क्या है कि उसका पान करने वाला अमर हो जाता है, पर ये तो भगवान की भक्ति का अमृत है ना, ये तो चरण चरणामृत है, कथामृत है, नामामृत है। इस अमृत में एक विलक्षणता है कि इस अमृत का पान करने वाला अमृत स्वरूप हो जाता है। तो संत की दृष्टि में अमृत है, उसके शब्द में अमृत है, उसके स्पर्श में अमृत है। आपको याद हो तो गत सत्र में हमने चर्चा की थी ना कि भगवान से जिसका संबंध हो जाएगा, जल का भगवान से संबंध होता है तो क्या होता है, चरणामृत हो जाता है। हम नैवेद्य भगवान को निवेदन करते हैं वो उच्छिष्टामृत हो जाता है। कोई भी बात जिसमें भगवान का नाम आ जाए, भगवान की लीला आ जाए, वो कथामृत हो जाता है। भगवान का नाम क्या है, वो नामामृत है। भगवत संस्पर्श से अमृतत्व का संचार हो जाता है। और मैंने कहा कि एक साधारण अमृत है, इसको पीने वाला अजर अमर हो जाता है, पर यह दिव्य अमृत है, इसका पान करने वाला अमृत स्वरूप हो जाता है। तभी महाराज वाणी में कहते हैं, अमृत दृष्टि संच जीवाए। गाते हैं ना कबीर, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। और कहीं सुनी बात नहीं कह रहा हूं आपसे, संत की उस गहन गंभीर दृष्टि का क्या प्रभाव, क्या प्रताप है, ये तो मैंने अपने जीवन में कई बार प्रभु की कृपा से अनुभव किया है। प्रभु की कृपा से मेरे जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब ऐसे संत का दर्शन हुआ, बोले नहीं कुछ, कुछ नहीं कहा, कुछ कहा नहीं, मैं कभी कभी गुनगुनाया करता था, नजर भर वो देखे और मुस्कुरा। बस उस संत की कृपा दृष्टि पड़ी और आप देखते रह जाते हैं, और आपके भीतर कुछ कुछ बदल जाता है। देयर इज सम शिफ्ट इनसाइड। तभी वो कह रहे हैं कि बाहर घाव ना दी सही, बाहर कुछ नहीं दिखता पर अंतर चकना चूर, अंतर जकना चूर। और कहते हैं परिवर्तन भी कैसा हुआ, करे नख सिख मारा पूर। फिर विकार का कोई बीज भी गुरु जीवन में रहने नहीं देखा। आगे आगे यही बात कहते हैं, सतगुरु मेरा सूरमा बेधा स
सकल शरीर, सकल शरीर हमारे पास केवल एक स्थूल शरीर ही नहीं है, हम केवल स्थूल देह ही नहीं है, हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी है। जब आप भजन करते हैं, जब आप साधन करते हैं, तब अपने उस सूक्ष्म शरीर की अनुभूति होती है, जिसे ज्ञान के मार्ग पर सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। हमारे यहाँ उसी को भाव देह कहा जाता है। हम कहते हैं ना, प्रथमई भावुक भाव विचारे, भूषण वसन प्रसाद स्वामिनी, पुलक पुलक अंग धारे, तिये के तन को भाव धर। हम सहचरी भाव की बात करते हैं, वो जो भाव देह है, वो जो सूक्ष्म देह है हमारा, गुरु के संकल्प से जिसका सृजन होता है। तभी सहजोबाई कहती हैं, तुम माए हमारी, हम बालक तुम माए हमारी। माँ किसे कहते हैं? जिसने जन्म दिया हो। गुरु जन्म देता है, गुरु जन्म देता है, उस भाव देह को जन्म देता है, फिर पिता होकर उसका पोषण भी करता है, रक्षण भी करता है। पर सबसे पहले गुरु क्या है? मां है। वो अपने संकल्प से रचता है आपके भीतर कुछ। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, बार बार कहता हूं, कभी संत मिले, कुछ बोले तो सुनो, ना बोले तो मौन रहो। उसको देने के लिए आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कुछ कहकर ही आपको देगा। अरे संत के पास ऐसी सामर्थ्य है, वो अपने संकल्प मात्र से सृष्टि का कल्याण करता है, कर ही रहा है। मेरी तो बड़ी बड़ी सुदृढ़ आस्था है इस बात में कि ये जो हम जैसे लोगों को जो सत्संग मिलता है, ये जो निष्काम भजन संत कर रहे हैं, ये उसी का ही तो प्रसाद है। हम छोड़कर संसार की खींचातानी, झगड़ा झंझट छोड़कर दौड़कर आते हैं सत्संग में। हम आते हैं ना, ये संतों का संकल्प है जो हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए निरंतर भजन कर रहे हैं, निष्काम भजन कर रहे हैं, भगवान स्वयं भजन कर रहे हैं। श्री नर नारायण तप कर रहे हैं ना, किसके लिए? सृष्टि के कल्याण के लिए। कल्याण किससे होता है? रोटी से कल्याण होता है, धन से कल्याण होता है, किससे कल्याण होता है? कल्याण तो प्रभु के नाम से होता है ना भाई। जीव का कल्याण तो भगवान नाम से होता है। संसार का कल्याण किससे होगा? संसार का कल्याण होगा विशुद्ध ज्ञान से। तो ऐसे कितने संत हैं, कितने संत हैं जो कहीं लुक कर छिप कर केवल लोक समस्त सुखिनो भवंतु, केवल हमारे कल्याण के लिए भजन कर रहे हैं। ये उन्हीं के भजन प्रताप का प्रसाद ये सत्संग है। तो कह रहे सतगुरु साचा सूरमा बेधा सकल शरीर, विकार का बीज भी नहीं रहने देगा। होता क्या है कि गुरु मिला, अब उसके बाद हमारी कल्पना क्या होती है? गुरु मिला बोले अब तो सब आराम हो जाएगा। पर वस्तुतः होता क्या है, जब गुरु मिलता है ना, तब तो कार्य आरंभ होता है। वो जन्म जन्म के जो विकार हैं, जो भीतर कुछ आपके सामने हैं और कुछ छिपे बैठे हैं। मैं आपको ये बात कोई उपदेशक बन के नहीं कह रहा हूं, ये तो बात अपने जीवन का अनुभव है ना, साधक जीवन का अनुभव है। जब गुरु मिला तो क्या हुआ? यही तो हुआ, बाहर घाव ना दी सही, पर चुन चुन कर गुरु की वो जो कृपा है, गुरु की कृपा का वो जो बाण है, बाईसा कहती है ना, एरी मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा ती। अच्छा, जो पार निकस गया, इसका अर्थ आप समझते हैं? जब बाण पार हो जाता है ना, कहते फिर उसके बाद प्राण रक्षा की कोई संभावना नहीं है। देखो, एक तो बाण लगा लेकिन पार नहीं हुआ, लगा तो लेकिन पार नहीं हुआ। अब उसको किसी तरीके से वैद अगर समय पर निकाल ले तो फिर प्राण बचाए जा सकते हैं, लेकिन अगर बाण पार चला जाए, अब जब उसको खींचकर निकाला जाएगा तो भीतर ऐसी क्षति होगी जो जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। फिर उसके बाद प्राण नहीं रह सकते, फिर प्राण बचने की कोई संभावना नहीं। इसलिए मीरा कह रही है, एरी मेरे पार निकस गया, कह रही अब विकारों के रहने की कोई संभावना नहीं है। तभी तो कहती है, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब
सूख गयो है फिकर नहीं मुहे तरन की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की। पार निकस गया। तो जब जब गुरु मिलेगा तो आप कभी इसी भूल भ्रम में ना रहना, अब सब बिगड़े काम बन जाएंगे, हो सकता है बनते बनते बिगड़ जाए। हाँ, क्योंकि प्राय करके व्यक्ति उसकी बुद्धि में यही तो आता है ना, भाई सब बिगड़ा काम बन जाए, सब दुख दूर हो जाए, यही भगवान की कृपा है। तब तो बार बार आपको कहता हूं संतों की बात कान लगाकर ध्यान लगाकर सुनना। वो कह रहे हैं जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। तीन दिन से बार बार आपको यही निवेदन कर रहा हूं कि भाई सुख दुख से एक कदम आगे बढ़ो, सुख दुख की चिंता छोड़ो। हमारे जीवन में आगे पीछे घूम फिर कर दुख का भय है, सुख का लोभ है, यही तो है जीवन में, और क्या है। जो कर रहे हैं हम, या तो दुख से बचने के लिए कर रहे हैं या सुख को पाने के लिए कर रहे हैं। दुख और सुख का द्वंद तो हमारा चुनाव है, ये तो हमारा चयन है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, आपके जीवन में जो हो रहा है उसमें आपकी स्वीकृति है, आपकी स्वीकृति है उसमें, तब आपके जीवन में वो हो रहा है। संत स्वीकार ही तो नहीं करता, वो नहीं स्वीकार करता इस द्वंद को, वो कहता है इससे न्यारा कुछ है, वो चाहिए, ये नहीं लेना है। देखो आपको एक और भीतर की बात बता दूं, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आगे तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने कहा भाई जो हमारा जैसा भजन करेगा हम उसका वैसा भजन करते हैं। श्री ठाकुर जी ये भी कह सकते थे भाई जैसी हमारी इच्छा होगी वैसे हम तुमसे अपना भजन कराएंगे। ना ना ना, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो गेंद जो है ना वो हमारे पाले में डाल दिए, गरे तुम जैसा हमारा भजन करोगे हम तुम्हारा वैसा भजन कर लेंगे। यही तो आकर गुरु की आवश्यकता है। अगर जीवन में गुरु ना हो, जीवन में संत ना हो, तो कौन बताए कि इनका भजन करना कैसे है। हम तो अपनी ओछी बुद्धि से क्या करेंगे, हे प्रभु दुख से बचा लो, हे प्रभु थोड़ा सुख दे दो। हमारे हमारी बुद्धि में संसार के अतिरिक्त, द्वंद के अतिरिक्त और है क्या। मैंने कहा ना आप मेरी बात मत मानो, आप आज जाना और कागज कलम लेकर आप अपना आगे पीछे का हिसाब किताब खुद करना, जितना काम कर रहे हो किस लिए कर रहे हो। कुछ काम इसलिए किए जा रहे हैं कि भाई दुख से बचे रहें, कुछ इसलिए किए जा रहे हैं कि सुख मिल जाए। तो सुख दुख का जो द्वंद है इसका चुनाव तो हमने स्वयं किया है ना, ये तो हमारा चयन है। इसलिए आपको मैंने निवेदन किया भाई इससे एक कदम आगे चलिए। यही बात तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जो सुख दुख लग ही रहे देह सो लगा रहे भाई। और एक और बात, न तो दुख के भय से दुख जाता है। आप दुख से 100 भयभीत हो जाओ तो आना है तो भाई आएगा ना। तो दुख के भय से दुख जाता है, दुख की चिंता से दुख दूर हो जाता है, ना सुख के पीछे पीछे भागने से सुख हाथ आ जाता है। कुछ भी नहीं होता। आप लाख समझते रहो हमने किया और हुआ, करता किया सो हुआ, सुमेरु अचल चला, करता किया सो हुआ। तभी तो संत समझ कर कहते हैं पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। अब आप बोलोगे कल तो आप कह रहे थे सतत पुरुषार्थ करो, अब आप कह रहे हो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। ना ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं करो, सुख दुख से एक कदम आगे जाकर करो। केवल अपने सुख दुख का विचार करते हुए मत करो, केवल अपने सुख दुख का विचार करते हुए मत करो। अपनी जीवनी शक्ति को केवल स्वार्थ की अग्नि में झोंकते मत चले जाओ। एक अग्नि घर के चूल्हे में जलती है, उसमें भी लकड़ी जलती है, घर के चूल्हे में भी लकड़ी जलती है, और एक लकड़ी हवन कुंड में जलती है। घर के चूल्हे में जो लकड़ी जलती है उसके अवशेष को क्या कहते हैं, राख कहते हैं। क्या किया जाता है उससे, मैला हाथ धोया जाता है, मैला बर्तन मांजा जाता है, जूठा बर्तन धोया जाता है, यही तो उसका उपयोग है, राख से और क्या करिएगा। लेकिन वो जो हवन कुंड में जो अवशेष है उसको क्या कहते हैं, भभूति। उसको बड़े आदर से मस्तक पर धारण किया जाता है। क्यों, एक ही क्रिया तो हुई है, लकड़ी तो जली, वहां भी लकड़ी जली, वहां लकड़ी स्वार्थ के लिए जली है,
और वहां जो लकड़ी जली है उसका उद्देश्य भगवत प्रसन्नता थी, यज्ञ पुरुष भगवान का आराधन हो रहा था, लोक के मंगल का शुभ संकल्प करके ऋषि मुनि आहुति डाल रहे थे। वो उस लकड़ी ने अपना जीवन परमार्थ को दिया है, इसलिए उसका अवशेष भी पवित्र है। उसका जीवन तो पवित्र है ही, उसका अवशेष भी पवित्र है। आप और मैं मनुष्य हैं, कुछ ऐसा कर जाए कि यहां से चले जाने के बाद भी खुशबू रहे। इन संतों की खुशबू है ना। कल मैं श्री दिनकर जी की पंक्तियां इसीलिए दोहरा रहा था कि भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जीवन परमार्थ के लिए दिया जाए। फिर दोहराऊंगा, कल सेवा करूंगा, यदि ऐसा होता तो सेवा करता, ये कहकर तो आप केवल अपने आप को छल रहे हैं। आपके पास आज भी कुछ है जिससे आप सेवा कर सकते हैं। और मैं तो सदा से ही आपको कहता आया हूं, भाई जहां खड़े हो वहीं से चलना आरंभ करो, एक कदम आगे तो बढ़ाओ। आपको बार 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 बल देकर मैं ये बात कहता हूं, भाई आपका जीवन कैसा है ये आपके निर्णय पर निर्भर करता है, आपकी स्वीकृति है, आपकी स्वीकृति है इसमें, ये चुनाव आपने किया है। जैसे ही आप चाहते हैं ना कि मैं सदा सुखी रहूं, वैसे ही आप सुख दुख रूपी द्वंद का चुनाव कर लेते हैं। जैसे ही आपके मन में ये संकल्प आता है कि हम सदा सुखी रहें, आप मिलते थे पहले, बहुत लोग मिल जाते थे, अब तो ठाकुर जी ने कृपा करके सब झगड़ा झंझट छुड़ा दिया। मिल जाते थे पहले ऐसे लोग, मिलते कहते थे महाराज जी बालक है ये, पढ़ाई कर रहा है, इसको आशीर्वाद दे दो, अब इसकी पढ़ाई हो गई, अब इसको आशीर्वाद दे दो। और मैं मन में हंस देता था, मैं कहा भाई हमारे आशीर्वाद से कुछ होना वाना नहीं, हो ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा भाई साखा। और वैसे भी साधु मिले, मिल जाए, पहले तो मिलना ही बड़ा कठिन है, मत संगस्त दुर्लभ हो, और मिल भी जाए तो मुझे तो लगता है संत के सानिध्य में जाकर, क्यों, क्योंकि संत में सब देव का वास है, संत के चरण जो है वो जागृत तीर्थ है। और मैं तो कहता हूं और तो सब छोड़ो, जिनके ही में बसत है तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। संत के निकट जाते ही आज ये बात तो आप यहां से ले जाना अपने साथ, कि कभी भी संत का दर्शन हो, पास से हो, दूर से हो, आप बैठे हो निकट, या आप कहीं दूर से दर्शन कर रहे हो, संत का दर्शन करते ही आपके मन में एक ही प्रार्थना गुंजित होनी चाहिए, अब प्रभु कृपा करहु ही भांति सब तज भजन करूं दिन रात। मेरी बात मान लेना भाई, कुछ एक काम ऐसा है जो बिना संत की कृपा के नहीं हो सकता है, भजन नहीं हो सकता है। आप सब कर लोगे, आप दुनिया बना लो, दुनिया मिटा लो, ये सब काम आप कर सकते हो, पर संत की, गुरु की कृपा के बिना भजन नहीं हो सकता। बिना भजन के, बिना हरिम नैव मृतम तरन्ति, श्रीधर स्वामी कहते हैं, अरे पर्वत से गिर जाओ, अग्नि में जल जाओ, सारे तीर्थ कर लो, सारे वेद गालो, रट लो, कंठस्थ कर लो, पर कह रहे बिना हरिम नैव मृतम तरंती, लेकिन बिना हरि के भजन के बोले कोई पार नहीं जा सकता है, यही रहेगा, यही सुख दुख की चक्की पीसता रहेगा, उसी में पीसता रहेगा, यही रहेगा। ये बात दूसरी है, कभी चक्की मिट्टी की होगी, कभी चक्की सोने की होगी, ये बात दूसरी है, पर चक्की पीसता रहेगा और उस चक्की में पिसता रहेगा। सोने की चक्की में पिसने वाले दाने से पूछो, कभी सोने की चक्की में पिसने वाले दाने से पूछो कि सोने की चक्की में पिसने का कष्ट कुछ कम है क्या, वो कहेगा नहीं, जो कष्ट वहां है वही कष्ट यहां है। इसीलिए कहा जग दान देत देत फलन पाए, उच्च उच्च देवलोक चढ़ही,
वही दुख है। संसार की कोई भी उपलब्धि ऐसे ही थोड़ी आती है, वो आपसे कुछ लेती है, वो आपका कुछ लेती है, और मैं कह रहा हूं आपको ही लेती है, वो आपको ही ले लेती है। देयर इज अ ह्यूज मेंटल कंजम्पशन, वो आपके मन चित्त पर अपना अधिकार करती है, आपके मन चित्त में जड़ता भरती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। करके देखो आप ऐसा, कि तो मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है कि जब आप किसी वस्तु पर अपना अधिकार करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ टू वे रोड। नो, कोई भी संबंध जो है वो एक पक्षीय तो नहीं होता। जैसे ही आप किसी वस्तु पर अपना अधिकार करते हैं, वस्तु भी आप पर अपना अधिकार करती है, और वस्तु ही हम पर अधिकार करती है। महापुरुष कहते हैं कि जीव भोग नहीं भोगता, भोग जीव को भोग लेता है। आप देखो जो भोग आप भोगते हो, वो भोग तो वैसा का वैसा रहता है। हमारे शरीर की शक्ति क्षीण होती चली जाती है ना, हम जर्जर होते चले जाते हैं ना, शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। भोग और भोग की वासना तो ज्यों की त्यों रहती है, और ज्यों की त्यों भी क्या, भोग की वासना तो निरंतर बलवती होती चली जाती है। भोग की वासना तो भोग भोगने से निरंतर बलवती होती चली जाती है। और ये समझ जो है, ये समझ कि कहां पग धरना है और कहां नहीं धरना है, यही बात मैं आपको कह रहा था। ये समझ बिना गुरु के कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अपने कल्पना के माया जाल से मुक्त होना। आप ये नहीं समझना कि सब बिगड़े काम बन जाएंगे, हो सकता है बनते बनते बिगड़ जाए, तो डरना नहीं, घबराना नहीं। यही बात आगे कह रहे हैं, सतगुरु मेरा सूरमा तक तक मारे तीर। जहां जहां मेरी आसक्ति थी वही वही गुरु ने प्रहार किया है, जहां जहां आसक्ति थी वही वही गुरु ने प्रहार किया। सतगुरु मेरा सूरमा तक तक मारे ती, लागे पन भागे नहीं, ऐसा दास कवि। कह रहे बाण तो लग रहा है, कह रहे पीड़ा भी हो रही है, तो कह रहे अब मैं यहां से हटूंगा नहीं। महाराज वाणी में कहते कि एक मन एक चित्त होकर गुरु चरणों का निरंतर सेवन करिए, अपने मन में ये भाव दृढ़ करके सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खा। वृंदावन के रसिकों की वाणी में ज्वलंत प्रमाण मिलते हैं। श्री अली किशोरी जी कहते हैं ना, अली किशोरी जाए कहां अब बड़ो ठिकानों पायो, कि हो हूं मचल परयो या पौरी, सुख निरखो रहूं नेरी। यहां तो एक रचना है जिसको नेम बत्ती सी कहते हैं, अरे सिर काटूं पावक जरूं, डूब मरूं विष खाऊं, पर वृंदावन छाड़ के अनत न कित हो जाऊं। और ये जो कह रहे हैं ना संत की, द्वार धनी के पड़ रहो धक्का धनी का खाओ, अरे कैसे कैसे कष्ट सहकर रसिकों ने यहां पर भजन किया है, तन मन के अपार कष्ट सहकर। श्री नागरी दास जी की ये दो पंक्तियां बहुत बड़ा संकेत करती हैं, जब वो कहते हैं कि जिनके बल निधरक होते सोई बैरी भय आन, और तरकस के सर सांप है फिर लागे खान। नागरी दास जी का जीवन कैसा है, वो अपनी भजन भावना में डूबे हैं, और ये भजन भावना तो ऐसी है ही ना। व्यास जी भी तो कहते हैं कि वृंदावन रस मोई भावे हो, वेद पुराण और भारत भाखे सो मोई कछु न सुहावे। जिसको मिलता है इस रस का एक बिंदु, वो तो उन्मत्त हो ही जाता है। उसको ना लोक की चिंता है ना परलोक की चिंता है, परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, वो तो उन्मत्त हो जाता है। और मैं तो कहता हूं कि वो जादू ही क्या जो सिर चढ़ के न बोले। आदमी नशा क्यों करता है भाई, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाए।
अब वो वस्तु किस काम की जो सब भुला ही ना सके। ये तो उन्माद है, प्रेमोन्माद है। यहाँ के रसिक तो उन्मत्त हो गए हैं, ती रस के बल सब ते बेपरवाह रहते हैं। ऐसी नागरीदास जी की प्रगाढ़ भजन भाव में स्थिति, अब उनको तो कुछ और रुचे नहीं, कुछ सुहाए नहीं। अब हम जैसे जो लोग हैं जिनको गुण में भी दोष देखने का ही अभ्यास है, हम गुण में भी दोष ही देखते हैं। काग जैसा ही तो मन है ना, करता जीवन घात। तो ऐसा वातावरण उस समय उनके लिए उत्पन्न कर दिया गया, और किनके द्वारा उत्पन्न किया गया, जो अपने ही जन थे, जो तथा कथित अपने थे, उन्हीं के द्वारा ऐसा वातावरण उनके लिए उत्पन्न कर दिया गया कि उनकी वो जो सहज भजन भावना थी उसमें किंचित कहीं विक्षेप उत्पन्न होने लगा। एक और बात, प्रेमी का हृदय बड़ा कोमल होता है भाई, उसका हृदय बड़ा कोमल है। वो एक क्षण का वियोग जो है प्रियतम से भाव में, वो उसका वहन नहीं कर पाता है। कितना कष्ट श्री मीरा जी ने सहा, लेकिन जब वो प्रतिकूलताएं बढ़ती गई, जब बाहर खींचातानी बढ़ती गई, तो हार कर उन्होंने गोस्वामी जी से यही तो पूछा कि प्रभु अब यहां रहना कठिन हो गया है, क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने कहा कि तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। और फिर मैंने तो संतों भक्तों के जीवन में यही देखा कि वो संसार से उलझे नहीं है, उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया है, उन्होंने कोई खींचातानी नहीं की है। इसी को कह रहे हैं कबीरा तुम्हारा भला जीतन दे संसार, हारे को तो हरी मिले जीता जम के द्वार। तो वृंदावन रसोपासना के रसिकों के लिए तो वृंदावन प्राण है और प्राणाधिक प्रिय है। श्री कृष्णदास जी कहते हैं कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई, तो हूं ना जाऊं यह सांची मन मानी को, रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़िए छाण वो है बड़ी चूक। ऐसा दुलराया है रसिकों ने वृंदावन को। और आप देखो क्या श्री नागरीदास जी की मनोदशा भाव दशा रही होगी कि जब वृंदावन से निकले होंगे, दुख में भरकर पीड़ा में भरकर ही तो कहा कि जिनके बल निधरक होते ते बैरी भयान, तरकस के सर सांप है फिर लागे खान। लेकिन उन्होंने अपना मार्ग बदला, जाकर बरसाने बस गए। सुंदर श्री बरसानो निवास और बास बसों श्री वृंदावन धाम है, नागरीदास जी की वाणी उनके उनके जीवन वृत्त का परिचय देती है। तो कैसी कैसी प्रतिकूलता, कैसे कैसे कष्ट सहकर उन्होंने भजन किया, पर द्वार धनी के पड़ रहो धका धनी का खा। अरे किसी साधारण देवता की भी कोई आराधना करता है ना, तो देवता उसके सामने प्रकट होने से पहले उसकी परीक्षा लेता है। अनेक अनेक प्रलोभन उसके पास में आते हैं, सबसे पहले क्या होगा, आंधी तूफान और अग्नि ताप जाने क्या क्या आएगा, जब उससे नहीं डिगता है फिर अप्सरा आती है, फिर कोई और प्रलोभन आ जाता है, अंत में आता है देवता तो खूब उसकी ठोक पीट कर परीक्षा ले लेता है। ठाकुर जी ने भी ली, देखा ना कि भाई इनको मुझे अपने निज स्वरूप का दान करना है, इन गोपांगनाओं को इनका हृदय कैसा है। ऐसा कह लो कि प्रभु को तो देखने की क्या आवश्यकता थी, वो सारे संसार को दिखाना चाहते थे कि मुझे प्राप्त करने वाले का हृदय, मुझे प्राप्त करने वाले का जीवन कैसा होना चाहिए। गोपियों के माध्यम से श्री ठाकुर जी ने पूरे संसार को उपदेश किया है। तो ये बात सब मैंने इसलिए कही कि जब गुरु मिलेगा तो कोई सांसारिक काम बनने बिगड़ने का विचार लेकर गुरु के पास मत जाना, वैसी कोई आशा वैसी कोई इच्छा वैसा कोई मनोरथ अपने मन में मत रखना, नहीं तो बड़ा अवसर चूक जाओगे।
नहीं तो बड़ा अवसर चूक जाओगे। गुरु तो जब मिलेगा तो जहां जहां विकार छुपे हैं, जहां जहां आपकी आसक्ति है, तो वहां वहां पर प्रहार करेगा। या ऐसा समझ लो, जहां जहां आपका आपका अंग कमजोर है वो वहीं पर प्रहार करेगा। इसीलिए आपको कई बार कहता हूं कि जो साधक का, साधना का जो आरंभिक काल होता है वो कोई बहुत सुखद नहीं होता है, वो सुखद नहीं होता है। कर्तव्य का पालन भी करना है, भजन भाव भी अपनी ओर खींचता है, देर तक ऐसी स्थिति रहती है। पर स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते थे, वो कहते थे कि अभिमान रहित होकर की जाने वाली प्रवृत्ति अंत में निवृत्त करा देती है। अभिमान रहित होकर यदि आप प्रभु को दृष्टि में रखकर, प्रभु की सेवा समझकर जब आप करते चले जाते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते महाराज जी वो, कि जो अभिमान रहित प्रवृत्ति है, कह रहे वो अंत में निवृत्ति की ओर ले जाती है, वो अंत में निवृत्त करा देती है। तो सच्ची बात तो ये है, कह रहे हैं कि लागे, कह रहे गुरु के बाण लगे, कह रहे लागे पन भागे नहीं, ऐसा दास कबीर। सतगुरु मारा बाण भर, निरख निरख निज ठौर। और ऐसा डॉक्टर किस काम का भाई, वो किस काम का डॉक्टर, तो खाली नाम का डॉक्टर है ना, जो रोग दूर न कर सके। अरे उसी लिए तो गए हो उसके पास, वो जो काम जन्य रोग है, क्रोध जन्य जो ताप है, लोभ और मोह का जो घना अंधेरा है, अहंकार की जो अग्नि जिसमें जीव निरंतर जल रहा है, करे वो विकार दूर नहीं की तो फिर कैसा वैध है। तभी तो कहा सतगुरु साचा सूरमा, पंच विकारों से मुझे बचाया, तन मन के ताप दूर किए। अभी कुछ देर पहले यही मैंने आपको निवेदन किया ना, ऐसे लक्षण से पहचानना, गुरु मिला कब जानिए, कब जानना कि मुझे गुरु मिल गया है। मिटे मोह अघ ताप, गुरु मिला तब जानिए। नहीं तो भाई ये तो संत लोग तो बड़ा बहुत फटकार मारते हुए भी ये बात कहते हैं, बोले ऐसा समय आएगा और आज देखा जा रहा है कि आ ही गया है कि गुरु बना घर घर में डोले और नाम धनी का बेचे, ऐसा समय तो आ ही गया है। सब कह रहे हमारा मंत्र लो, हमारा मंत्र लो, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, हमारी बात ठीक है। ध्यान रखना जो आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है, मैं बहुत स्वतंत्र होकर यह बात सदा कहता हूं कि जो व्यक्ति आपको भयभीत कर रहा है वो आपका हितैषी कभी नहीं हो सकता। गुरु के जीवन में आते ही तो एक नवीन प्रेरणा का, एक उत्साह का संचार होता है। कल आपसे यही तो मैं कह रहा था, मैं कर सकता हूं, आप इतनी आस रखिए कि मैं कर सकता हूं, आप भजन कर सकते हैं, आप प्रभु को पा सकते हैं। मैं तो पहले दिन से आपसे यही कहता आ रहा हूं, आप संसार की कोई उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो नहीं कर सकते हो मुझे खबर नहीं, लेकिन आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु को पाने की योग्यता आप में है, सब में है, पर एक सी है। इसीलिए मैं कर सकता हूं ये विश्वास रखना, थोड़ा ही सही मगर प्रयास रखना, आपका जीवन प्रयास से खाली ना हो, प्रयास से रहित ना हो। थोड़े या घने भजन से ठाकुर जी नहीं रीझते हैं भाई, उनके लिए तो घना भी थोड़ा है, थोड़ा भी थोड़ा है, प्रभु के लिए क्या बड़ा है बताओ। देखो जब व्यक्ति यहां भूमि पर खड़ा है, आप मान लीजिए बाहर जाकर खड़े हो जाइए, आप देखिए चारों तरफ, तो आप देखोगे ना कोई इमारत छोटी है, कोई बड़ी है, कोई आपसे नीचे है, कोई आपसे ऊपर है। बहुत ऊंची बिल्डिंग की छत पर जाकर खड़े हो जाओ तो वहां से वो ऊंचे नीचे का अंतर कम हो जाता है, और आप बिल्कुल हवा में ही उड़ रहे हो प्लेन में बैठकर, तो आप देखो नीचे सब बराबर दिखाई पड़ता है कि नहीं। ऊंची से ऊंची बिल्डिंग हो या छोटी सी झोपड़ी, सब एक सार दिखाई पड़ता है। बहुत ऊंचाई से आप नीचे देखो, सब एक बराबर दिखाई पड़ता है। तो जहां प्रभु है वहां ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है,
क्या थोड़ा भजन, क्या बहुत भजन, थोड़े बहुत भजन की बात नहीं है, बात है निरंतर प्रयास करने की। आप निरंतर प्रयास कर रहे हो कि नहीं, आप ईमानदारी से प्रयास करते हो कि नहीं, आप बार बार हार कर भी उठने का सामर्थ्य रखते हो कि नहीं, आप निराश तो नहीं हो गए, आप हताश तो नहीं हो गए, आपने आपने दोषों के आगे माथा टेक तो नहीं दिया, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। ऐसे 2-3 महीने पहले की बात है, मुझे से थोड़ा सा शरीर में कुछ ऐसा हुआ, तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा पास में कोई डॉक्टर हो उसको बुला लाओ। तो एक डॉक्टर आए, अब वो डॉक्टर आते ही जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, कुछ ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं थी, साधारण सी जैसी बात थी, तो मैंने कहा चलो फिर भी बुला लो। ऐसे वो डॉक्टर आए, अंदर आते ही क्या हुआ, मैं कहा नहीं इतना तो कुछ नहीं हुआ, और जब डॉक्टर ही ऐसे कहे तो मरीज बेचारा तो करेगा ही क्या, ये क्या हुआ। तो मैंने कहा इनकी दवाई तो मैं बाद में लूं, पहले मैं इनको दवाई दूं, कि डॉक्टर को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धर्म आपको भयभीत करने के लिए नहीं है, आपको डराने धमकाने के लिए नहीं है, वो तो आपको सबल बनाने के लिए है, वो तो आप में उत्साह का संचार करने के लिए है। और मैं ये कह रहा था कि जो आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है ना, समझदार को इशारा बहुत होता है, जो आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है वो अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना चाहता है आपको, इसीलिए आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है। नहीं तो भाई जितने प्रभु मेरे हैं उतने ही आपके भी हैं, जितना मैं उनका उतने ही आप उनके। मैं तो कल आपको यही तो कह रहा था, ये तो एक व्यवस्था है, ये तो एक व्यवस्था है, मैं यहां बैठा हूं आप यहां बैठे हैं, प्रभु की व्यवस्था है। और इसमें इसके मूल में भी प्रभु हैं, इसके मध्य में भी प्रभु हैं, और इसका इसका विश्राम भी प्रभु के ही चरणों में है। दूसरा तो कोई बीच में देखने पर भी दिखाई नहीं देता। अब हम बीच में आ जाएं, हम अपनी टांग यहां पर अड़ाएं तो बात दूसरी है, पर सत्य तो यह है कि यहां कोई और है नहीं। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। मैं तो कम से कम यही चाहता हूं, मुझे मुझे और किसी की खबर नहीं, मैं तो आप आपसे यही चाहता हूं, आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं और आपसे यही आशा भी रखता हूं कि आपको जीवन भर ऐसे आश्रित नहीं रहना है, आपको भीतर से भय मुक्त होना है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक क्या हो जाएगा आपके, आपको अपने भीतर इतना विवेक जगाना है कि क्या यहां पर ऐसा है जो आपका है और खो जाएगा। गुरु के पीछे पीछे चलकर देखो, आपको आपको लगेगा कि आज तक व्यर्थ ही भयभीत हो रहे थे, आज तक व्यर्थ ही चिंतित हो रहे थे। कैसे मौज में नाचते गाते संत कहते हैं, अरे करे भरोसा राम का निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो हो। कौन सा ज्योतिषी है, कौन सा कर्मकांड है, क्या क्या ऐसा है जो जो विधाता के लेख को मिटा देगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हो ही जो राम रचि राखा, ये बात कौन कह रहा है। आपने अगर मानस पढ़ी हो तो ये बात किसने कही है, कब कही है। माता सती को समझा रहे थे भाई मत जाओ, समझाया वो नहीं मानी। अब देखो समझाने वाला कौन है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो समझा रहे हैं। और सुनने वाली भी कौन है, वो जगदम्बा है, आदिशक्ति महामाया। थोड़ा प्रयास तो महादेव ने किया, महादेव तो देख ही रहे थे क्या होने वाला है, क्या क्या हुआ अंत में, क्या हुआ गई घोई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। छोटी छोटी बातें हैं पर इनका इनका विचार करो तो जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। काहे बात की चिंता करता है व्यक्ति, कोई एक कारण आप मुझे ढूंढकर बता दो चिंता का, कोई एक कारण कि भाई हमारे हमारी चिंता का ये कारण है, हमारी चिंता से ये परिणाम आता है। उठ फरीदा सुत्या, संत कह रहे अरे जग इस
भूल भ्रम की निद्रा में पड़ा है, उठ। फिकर करे सो बावरा, करे जिकर करे सो साध। और अगर कुछ होगा भी, चिंता से तो होगा नहीं। आप खुद भी बैठ जाओ, आप अपने सारे नाते रिश्तेदार बुला लो, बोलो आओ हमारे साथ बैठकर चिंता करो, बड़ा दुख आया है। सबको बुलाओ, किस लिए आए, मेरी चिंता करनी है। सबको मिलाकर बिठा लो, सारे संसार को लगा लो चिंता में, कुछ होगा नहीं। और अकेले अकेले कहीं कहीं किसी कोने में बैठकर राम सिमर राम सिमर। मैं ये तो नहीं कहता दुख दूर हो जाएगा, मैं ऐसे जाल में तो आपको फिर से नहीं उलझाऊंगा, मैं ऐसा तो नहीं कहता दुख दूर हो जाएगा, लेकिन दुख की चिंता प्रभु के नाम के जब से जरूर दूर हो जाती, चिंता नहीं रहती है, फिक्र नहीं रहती। दुख सुख तो आता है आता है आता ही है, पर भक्त जो है उस दुख सुख के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, प्रभाव से मुक्त हो जाता है। हम कल भी बात कर रहे थे कि कौन ऐसा है जिसको कोई नहीं हरा सकता संसार में, भगवान की बात नहीं कर रहे, कौन है जिसको कोई नहीं हरा सकता, जो किसी से लड़ना ही ना चाहे उसको कौन हराएगा। हार जीत का द्वंद्व तो लड़ने पर है ना। और यहां सेवक जी कह रहे हैं हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। अजात शत्रु माने वो कह रहे हमको किसी से लड़ना ही नहीं है, अब हमसे कोई जीतेगा कैसे। जिसके लिए सुख दुख प्रभु का भेजा प्रसाद ही है, सुख भी अपने दुख भी अपने, जिसके जीवन में सुख दुख का झगड़ा है ही नहीं, उसके जीवन में जीत हार का भी कोई प्रश्न नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, पर जितनी बात भी मैं आपको कह रहा हूं, ये जो भी मैंने आपसे कहा आप सुन रहे हैं, ये कहना सुनना तो एक बात है, पर ये जीवन में गुरु की कृपा के बिना ये ज्ञान उतर नहीं सकता। मैं कह सकता हूं आप सुन सकते हो, पर गुरु की कृपा के बिना ये ज्ञान जीवन में उतरेगा नहीं। अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तार। गुरु के संग, श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में वेद स्तुति है, जहां वेद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि बड़े बड़े योगी जिन्होंने इंद्रिय निग्रह करके असाधारण कार्य कर दिखाया है, बोले ऐसे बड़े बड़े योगी सिद्ध तपस्वी, बोले लेकिन गुरु की कृपा के बिना इस खोटी चाल चलने वाले मन रूपी घोड़े को बोले ये अपने वश में नहीं कर पाते। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ये कह रहा था, एक काम ऐसा है भाई जो बिना गुरु के नहीं हो सकता। गुरु बिन ज्ञान न उपजे और गुरु बिन मिटे न दोष। मैं तो अपनी कहानी सुना रहा हूं आपको कि सत्संग की कृपा से जब अपना दोष दिखाई पड़ने लगा कि हाँ भाई हम में ये कमी हम में है, ये भूल हमसे हो रही है, पर वो भूल तो होती रही, हम देखकर भी कमी को दूर नहीं कर पाए, वो दोष वो कमी दूर हुई तो गुरु की कृपा से। वो गाते हैं ना, ये मानान धम है अपावन पतित है, जैसे भी है भगवन है पर तुम्हारे, ये मन हो निर्मल ये मन हो निर्मल ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे,
अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, ये माना अधम है अपावन पतित है, अपावन पतित है, ये माना अधम है अपावन पतित है, ये माना अधम है अपावन पतित है। जैसे भी है भगवान है पर तुम्हारे, जैसे पर तुम्हारे, ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। अगर नाथ दे गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अपावन पतित है। श्री गंगा जी की निर्मल धारा ने कभी गंदे नाले से आते नीर को रोका नहीं, कभी ना नहीं कहा, यही उनकी श्रेष्ठता है। इसीलिए वो जगत पूज्या है कि वो सबको स्वीकार करती हैं, पवित्र करती हैं। ये प्रभु के चरण धोवन की महिमा है, ये प्रभु के चरण धोवन की तो महिमा है। जिसका संपर्क प्रभु से वो ऐसा हो जाता है, फिर प्रभु कैसे होंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अपने आप को कम से कम भजन के लिए कभी निर्बल दुर्बल दीनहीन न समझना। आप प्रभु को पा सकते हो, इसलिए बड़े बड़े आनंद में, बड़े प्रेम में, और मैं कहूंगा गर्व में भर कर, ये माना अधम है अपावन पतित है, ये माना अधम है अपावन पतित है। जैसे भी है भगवन है पर तुम्हारे, जैसे भी है भगवन है पर तुम्हारे, ये मन हो निर्मल, ये मन हो निर्मल, ये मन हो निर्मल
परीक्षा तो होगी। और ये बात बड़े काम की है, जिसको साधन के पथ पर चलना है उसके लिए तो बहुत काम की है कि वो जो आरंभ का काल होगा कठिन होगा, पर क्या कठिन होगा, सुखद नहीं होगा। मन बुद्धि अपना कार्य करेंगे। कितने युवान बालक ये प्रश्न करते हैं कि भजन करने की इच्छा है पर किंतु परंतु ये रह जाता है। ये पर किंतु परंतु किसका कार्य है? बुद्धि का कार्य है ना, ये बुद्धि का कार्य है। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा और प्रयास कर लो, थोड़ी और प्रतीक्षा कर लो, थोड़ी और प्रार्थना कर लो। अगर ये किरण फूट गई है मन में कि भजन करना है तो आगे भी मार्ग मिलेगा। तन मन के द्वंद सताते हैं, इसीलिए कहा है कि भाई भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। और ये जो अपने आप से मुक्त होना है, ये जो देह के बंधन से मुक्त होना है, बड़ा कार्य है, महत् कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। ये गुरु कार्य है, ये गुरु कार्य है, गुरु की कृपा से ही होता है। आप देखो जब भाव भावना की बात आती है तो पहली बात कह रहे हैं पहला काम क्या करे, प्रथम ही भावुक भाव विचार है। जिसको लगता है कि मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, वो तो भाव का विचार कर ही नहीं सकता। अब जो पहला ही काम नहीं कर सकता है वो भजन भावना में आगे तो जाएगा ही कैसे। इसी का विचार करके ही तो संतों ने मार्ग नियत किया कि प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। पहले नाम की कृपा से क्या होगा, तन मन के मैल धुलेंगे, छूटेंगे। सतगुरु मारा बाण भर, निरख निरख निज ठौर। फिर कहें नाम अकेला रह गया, चित्त न आवे और। मैंने यहां से जो आज तक आपको कहा है उसमें एक एक शब्द संतों की वाणी है। ये जो सब फॉर्मूला मैंने आपको दिया है ये सब संतों का ही प्रसाद है। यही कह रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं ना कि आप नाम जपो, आप कोई खींचातानी में मत पड़ो कि भाई ये पकड़े या ये छोड़े। आप नाम जपो, नाम की कृपा से जो आपके लिए अनुकूल होगा आवश्यक होगा वो रह जाएगा, बाकी सब चला जाएगा, स्वतः ही चला जाएगा। ना आप पकड़ो ना आप छोड़ो। यदि छोड़ोगे तो फिर छोड़ने का अभिमान आएगा, मिथ्या अभिमान है। आपको एक और बात बताऊं, भगवान ने अभ्यास और वैराग्य कहा, भगवान ने त्याग और वैराग्य नहीं कहा, अभ्यास और वैराग्य कहा। मुझे तो त्याग का अर्थ ही समझ में नहीं आया आज तक। त्याग का अर्थ क्या होता है, किसका त्याग करते हैं हम, किसका त्याग? ये तन किसी का है दिया, ये जो भी कुछ है यहां से लेकर वहां तक आद्योपांत जो है, आप देखो क्या है आपका, किसका त्याग आपने किया है। इसलिए भगवान ने कहा अभ्यास वैराग्य। हर्ष शोक व्यापे नहीं विगत राग, स्वर्ग ना इच्छे नरक ना डरे, इसकी बात तो भगवान ने की। इसलिए यही पढ़कर यही चिंतन करके आपको कहता हूं, आप नाम जपो, आप ये मत सोचो क्या पकड़ू क्या छोड़ू, और किसी की ओर भी मत देखना। सबका जीवन अलग अलग है, सबकी यात्रा अलग अलग है, सबकी स्थिति परिस्थिति अलग अलग है। कोई वस्तु किसी के लिए उपयोगी हो सकती है, किसी के लिए अनुपयोगी हो सकती है। आप कहां तक इस झंझट में पड़ोगे भाई, और इस झंझट में पड़ने का कोई बहुत बड़ा लाभ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। प्रारब्ध में झोपड़ी होगी तो झोपड़ी मिलेगी, महल होगा तो महल मिलेगा। दोनों ही प्रारब्ध है और दोनों से ही छूटना असंभव है, दोनों ही प्रारब्ध है।
तभी तो संत कहते हैं गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बड़ी बात तो प्रभु की ओर देखकर प्रभु से प्राप्त होने वाले हर विधान की प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति है। कहत कबीर सुनो वही साधो साहेब मिले सबूरी में, संतोष। आपको कहा था मैंने विगत सत्र में कि ये संतोष क्या है, ये आपके चरित्र की सुवास है, खुशबू। ये चरित्र रूपी पुष्प की सुवास है संतोष। आप कभी किसी संतोषी के पास जाकर बैठो, आपको लगेगा कि स्वर्ग से बड़ा सुख मुझे यहां पर मिल रहा है। किसी संतोषी के पास बैठने मात्र से तभी मैंने आपको कहा कि देखना लक्षण देखना पहचानना, गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह अगताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं बस गुरु आपे ही आप। और संतों का अनुभव ये कह रहा है, इसको कोई चुनौती तो दे नहीं सकता। वो कह रहे नाम अकेला रह गया, नाम जपना हमने आरंभ किया था, सब भीतर खींचा तानी थी, सब विकार थे, अनेक अनेक प्रकार के विचार थे। ध्यान में भी जब कोई बैठता है, मैं ध्यान की प्रक्रिया आपसे कह रहा हूं, ध्यान में भी जब कोई बैठता है ना तो बैठते ही ध्यान नहीं लगता है, बैठते ही ध्यान नहीं लगता है। आरंभ में तो बड़ी तीव्रता से विचार आते हैं, और जो उसी आरंभिक काल को अपनी असफलता समझ के उठ जाए वो तो कभी ध्यान की अग्रिम अवस्था तक पहुंच ही नहीं सकता है। ध्यान का अंतिम चरण क्या है? समाधि। जब अमृत का क्षरण होता है आपके सहस्रार से, जो लोग ध्यान की प्रक्रिया जानते हैं वो ये समझेंगे कि जब आपके सहस्रार से वो अमृत का बिंदु टपकता है जिसको पीकर योगी तृप्त रहता है, संसार के विषय से विमुक्त हो जाता है, वहां तक तो कोई पहुंचा ही नहीं। अगर वो पहले ही आने जाने वाले विचार को समझ ले भाई हमसे तो हो नहीं रहा है, वो तो वहां तक कभी जाएगा ही नहीं। ध्यान में भी जब कोई जाता है ना तो एक प्रक्रिया है, बड़े विचार आते हैं, तीव्रता से आते हैं। हां लेकिन इतना है कि अगर कोई लगा रहे हठी होकर, अगर कोई लगा रहे तो फिर पहले क्या होता है, पहले वो जो विचार आते हैं ना तीव्रता से, उनकी तीव्रता कम होती है। विचार कम नहीं, विचार समाप्त नहीं होते, उनकी तीव्रता कम होती है, फ्रीक्वेंसी। कि मान लो पहले अगर मान लो एक मिनट में 20 विचार आ रहे हैं तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद क्या होगा, एक मिनट में 10 विचार रह जाएंगे, फिर कुछ के बाद 4 रह जाएंगे, फिर होते हैं आप धीरे धीरे निर्विचार। ऐसे ही ऐसी जब आप नाम जपना आरंभ करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये घटना घटेगी, बहुत विचार आएंगे। आप अपना अनुभव ही देखो, आप माला लेकर बैठो, मन ऐसा ऐसा विचार करेगा जो आपको लगेगा कि हम ये विचार कर कैसे सकते हैं, ये विचार हमारे भीतर आ कहां से गया। लेकिन मैं ये देखता हूं, ये अनुभव तो सबका है, सबका ये अनुभव है ना कि जब माला करने के लिए बैठते हैं तो मन ऐसे ऐसे विचार करता है, ये अनुभव तो सबका है। लेकिन विडंबना क्या है, इसी से निराश होकर व्यक्ति उस भाव में बना नहीं रहता और असफल हो जाता है, अपने आप को असफल मान लेता है। ये तो होगा भाई, इससे घबराओ मत, ये तो पहली प्रक्रिया है, ये तो प्रथम चरण है, बैठे रहिए। तभी तो बार बार आपसे कहता हूं बिना ही मन लगे भजन करना है, सदा ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, फिर एक दिन मन लगेगा, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत, लगेगा मन ऐसे, लेकिन लगेगा ऐसे ही। आप सोचो कान पकड़ के बैठा लें, गुरुजी कोई ऐसा मंत्र दे दें, फूंक दें, हमारे सर पे हाथ रख दें, गुरुजी खुद बैठा लो अपने माथे पे, तो भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यही प्रक्रिया है, इसी से होकर जाना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। आप जब करना आरंभ करो, सतगुरु मारा बाण भर निरख निरख निज ठौर, नाम अकेला रह गया चित्त न आवे और। आप जल से भरे पात्र में पत्थर डालो, क्या होता है,
तो जितना स्थान पत्थर को चाहिए उतना पानी उस पात्र से बाहर चला जाता है कि नहीं, वो अपना स्थान बना लेता है ना, क्योंकि वो वस्तु कैसी है, वो जो पत्थर है ना वो भारी वस्तु है, वो जब जाती है भीतर तो वो अपना स्थान बना लेती है। ऐसे नाम क्या है, नाम तो गुरुतम वस्तु है, नाम से भारी और क्या है, नाम में नामी विराजमान है ना, नाम में नामी बैठा है, नाम से गुरु और क्या है, नाम से भारी और क्या है। व्यास जी तो यहां तक कहते हैं व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोए, करे नामी ते प्रगट्यो जदपि तदपि गरुओ हुए, बोले नामी से प्रगटा है पर महिमा उसकी नामी से अधिक है। तुलसी बाबा तो यहां तक कह देते हैं कहां कहां लगे नाम बढ़ाई राम ना सकहि नाम गुण गाए। तो जब अंतर घट में जब आप डालेंगे नाम का मोती तो गुरुतम है ना, तो अपना स्थान बना लेगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कहां पहुंच गए, बस केवल नाम रह गया, एक अकेला नाम रह गया। यही बात सेवक जी ने कहा, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर, नाम रह गया। ये नाम जप का विज्ञान है ये। अच्छा बताओ कितने लोगों का ये अनुभव है कि भाई जब माला करने जप करने बैठते हैं तो मन और अधिक चंचल हो जाता है, धीरे धीरे उठाते हैं ना सब लोग हाथ, नंबर थोड़ी लग रहे हैं यहां पर, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं, सभी का अनुभव है ना, लेकिन इससे आगे का अनुभव कम लोग कर पाते हैं, वो यहीं से निराश हो जाते हैं। मैं दोहराता हूं वो पंक्तियां मैंने पिछली बार कही थी आपसे कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ न कुछ भी आएगा, रत्न मिलेगा तुझको जब तू गोता गहन लगाएगा, और हाथ ना कुछ भी आए तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, कितना भी वो मुश्किल लेकिन पहला कदम जरूरी है, अधूरी डुबकी है ये, रत्न तो वही है मार्ग भी यही है, थोड़ा सा समय आपको धीरज धरना पड़ेगा, निर्मम होना पड़ेगा, निर्मम होना पड़ेगा, मत लगने दो मन को, जाने दो मन जहां जाता है वहां तक जाने दो, देखो तो सही मन की पहुंच अंत में है कहां तक, कौन जीतता है इस द्वंद में, कौन जीतता है, मन जीतता है या मनमोहन जीतता है, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें बल होगा जिसमें शक्ति होगी वो जीत जाएगा। हमने तो यही अनुभव किया भाई, ये इसीलिए आपसे कह रहे हैं, बड़ी उहापोह रही आरंभ का जो समय था, बड़ी उहापोह थी, बड़ी खींचातानी थी, तन मन के द्वंद थे, एक एक बात ने कृपा की, एक बात ने कृपा की कि संतों के मुख से बार बार यही सुना, अरे नाम नहीं छोड़ना, बस नाम नहीं छोड़ना। फिर यथा वृक्ष हो बीज से जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से त्यो मंत्र से योग, दीपक बारा नाम का महल भया उजिया। पहले तो प्रभु की कृपा संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, सत्संग की कृपा से भगवत मिलन की लालसा जग जाए, भगवत मिलन की लालसा के प्रसाद से गुरु मिल जाए, गुरु से नाम मिल जाए, फिर तो रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे, रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाए। कबीर जी तो एक और बड़ी प्यारी बात कहते, कह रहे घर में घर दिखलाए दे सतगुरु चतुर सुजान, अरे बाहर तुमको दौड़ाए नहीं ये तीरथ और वो तीरथ, बोले जो बाहर की दौड़ समाप्त कर दे, घर में घर दिखलाए दे सतगुरु चतुर सुजान, जहां आप हैं वहीं पर आपको अनुभूति करा दे। बस बस गुरु को सिर पर रखिए और रहिए आज्ञा मान,
एक बार किंतु परंतु छोड़ दीजिए। और ये बात मन में दृढ़ रूप से धारण करके कि सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाव। गोता लगाने वाला खाली हाथ आ जाए और आकर घोषणा कर दे कि समुद्र में रत्न नहीं है, तो ये समुद्र का दोष नहीं है, रत्न तो समुद्र में है, वो तो रत्नाकर है, वो तो रत्नों का भंडार है। गोता लगाने वाले ने धीरज नहीं रखा, उसने पुनः पुनः प्रयास नहीं किया, प्रयास नहीं छोड़ना। आप कर सकते हैं ये आस रखिए। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं।